ईश्वर ही है और है कौन। प्रेम से जब प्रेम हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। जब पक्का होता है कि ये चीज़ सबसे खूबसूरत चीज़ है, इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ है, इसे रिलीज़ होने देना है, इसे खुलने देना है, तब सारे चमत्कार होने वाले हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाए, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाए। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाए। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ ऐसा ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। डीएस दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में
जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाए। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले, ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रेम से जब प्रेम हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। जब पक्का होता है कि ये चीज़ सबसे खूबसूरत चीज़ है, इंसान के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ है, इसे रिलीज़ होने देना है, इसे खुलने देना है, त
तब सारे चमत्कार होने वाले हैं। इंसान के अंदर विश्वास और प्रेम जब रिलीज होता है, ये दोनों चीज़ें, तो तीसरी चीज़ जो पीछे है वो प्रकट होती है, बड़ी आसानी से होती है। मज़े मज़े में, आनंद आनंद में, खेल खेल में वह रिलीज हो जाती है। तो भक्ति का रोल समझ में आया। याद तो आए, ये चल तो रहा है अंदर, मगर याद कहाँ आता है? इतने सारे कामों में हम लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम हो कि खुद ब खुद याद आए। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने आप स्मरण होता है, जिससे हम प्रेम करते उसकी याद आती है, वो सुनहरी याद लगती है, इसलिए बहुत आसान रहता है। तो सॉल्यूशन भी आ गई, अनुभव तो पहले से ही था। जो गलतियां होती है उस सॉल्यूशन में, उस उपाय के अंदर जो गलतियां होती है, वो गलतियां भी दूर हो जाए, फिर देखोगे ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर भक्ति की सातों लेवल, क्योंकि होश जितना ज़्यादा होगा लेवल उतनी बढ़ेगी। पहली लेवल पर होश कैसा होता है कि ये सब भक्तियां चल रही होती है, जो नाम गिनाए, भगला भक्ति से लेकर हेलिनी भक्ति तक, ये सब चल रहा होता है, क्योंकि चेतना की पहली लेवल है। वहाँ पर तो चेतना की लेवल बढ़नी चाहिए। सत्संग में आप आते हो तो क्या होता है, आपका होश बढ़ाया जाता है, आपके सामने प्रश्न रखा जाता है, आप भी सोचने को मजबूर होते हो। ये दो इशारा क्या है, यानी मौन और मनन का इशारा है, ये मौन और मनन का इशारा है। उस मौन में मन नमन होता है, मौन में मन नमन होता है। तो सवाल पूछा तो आप अंदर जाते हो, अपने आप से पूछते हो क्या ऐसा ही है क्या, वाकई मानते हो क्या कि स्थाई आनंद न हो टेम्पररी चीजों में, वरना ये भक्ति का आनंद जो हम ले रहे हैं कैसे लेते, ये नहीं ले पाते। वो फीलिंग कैसी है, भक्ति की फीलिंग्स अगर आपको पसंद आने लगी है तो आप कहोगे अच्छा है कि टेम्पररी चीज़ों में असली आनंद नहीं है, वरना हम कभी भक्ति नहीं कर पाते, हमेशा स्वार्थ में ही रहते हैं, सिर्फ अपने शरीर की ही पूजा करते रहते। तो यहाँ सभी को क्लियर हुआ कि पहली लेवल चेतना की क्या होता है, दूसरी लेवल पर प्राश्चित भक्ति शुरू होती है। प्राश्चित यानी पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए तो अभी थोड़ा सा करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, या इसी जन्म में इतने पाप कर दिए फिर भी ईश्वर ने ये सब दे दिया, इसी जन्म में इतनी गलतियां की है फिर भी इतना मिला है, इतनी कृपा हुई है तो लगता है प्राश्चित करना चाहिए, तो हम उसके लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, प्राश्चित भक्ति शुरू होती है कि कर्म हमने किए और उस कर्म का फल हमें मिल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए अभी अच्छे कर्म करने चाहिए, तो इंसान प्राश्चित भक्ति कर, थोड़ा सेकंड लेवल पर आया है अभी, अच्छे कर्म करने लग गया है कि भाई कर्मों का ही हिसाब किताब है, उसे पता चलता है, तो दूसरी लेवल पर होता है। प्रेम से जब प्रेम हो जाता है तो भक्ति शुरू होती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।